क्या DDLJ का सीक्वल बनेगा? क्या है फिल्म की खास बातें? क्या DDLJ के सीक्वल में शाहरुख खान लीड रोल करेंगे? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जियाल स्वागत करती हूँ आपका बॉलीग्रास स्टूडियोज में। यश चोपड़ा के बड़े बेटे आदित्य चोपड़ा अपने करियर की पहली फिल्म बना रहे हैं। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म पर आदित्य के साथ करण जौहर बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर और एक्टर काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान आदित्य ने करण को एक आइडिया दिया था कि उन्हें अपनी फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए। करण जौहर के पिता यश जौहर प्रोड्यूसर थे। उनकी हालत मार्केट में कुछ ठीक नहीं थी। उनकी आखिरी हिट फिल्म 1980 में आई दोस्ताना थी। अगले 18 सालों में उन्होंने सफलता का मुंह तक नहीं देखा था। सिनेमा फील्ड के नफा नुकसान से वो अच्छी तरह वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे करण को फिल्मों से दूर ही रहने का मन बनाया था। लेकिन आदित्य चोपड़ा की सलाह के बाद दिलवाले दुल्हनिया में काम कर रहे शाहरुख ने करण को पुश किया और कहा कि उनकी फिल्म में वो काम करेंगे। करण ने तय कर लिया कि अब वो अपनी खुद की फिल्म डायरेक्ट करेंगे। ये प्लान लेकर वो अपने पापा के पास गए। यश ने करण को समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो पापा उनकी डेब्यू फिल्म पर पैसा लगाने को तैयार हो गए। फिल्म का नाम रखा गया कुछ कुछ होता है। फिल्म बनकर तैयार हुई और 16 अक्टूबर 1998 को दिवाली के मौके पर रिलीज हुई। भयानक ब्लॉकबस्टर और ट्रेंड सेटर साबित हुई, लेकिन ये सब करण और उनका परिवार नहीं देख पाया, क्योंकि उन्हें पुलिस ने देश के बाहर भेज दिया था। हम सीधे इस किस्से पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि फिल्म की मेकिंग के दौरान कई बातें हुई, जिसके चलते करण और उनकी फैमिली को इस दिक्कत से गुजरना पड़ा। हमें उन दिक्कतों से गुजरना नहीं, लेकिन फिल्म मेकिंग के उस सफर को पूरा करना होगा, जिसके बाद बॉलीवुड के अनसुटेबल बॉय की कहानी यहाँ तक पहुँच गयी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के चार्ट बस्टर म्यूजिक को देखते हुए करण जौहर ने कुछ कुछ होता है के लिए जतिन ललित की जोड़ी को चुना। फिल्म के लिए टाइटल ट्रैक की धुन और शुरुआती लाइन करण जौहर को एक्टर जुगल हंसराज ने दी। जुगल ने करण को फोन कर बताया कि नहाते समय उनके दिमाग में एक लाइन आई है, तुम पास आए। ये लाइन जुगल ने एक धुन के साथ बनाई। करण जौहर ने उन्हें टालने वाले लहजे में कहा, अच्छा ठीक है, डिनर पर मिलकर बात करते हैं। जतिन ललित को भी वो लाइन और धुन ठीक लगी। तब तक फिल्म के गानों के बोल लिखने के लिए जावेद अख्तर ऑन बोर्ड आ चुके थे और उनसे कहा गया था कि इसी लाइन के इर्द गिर्द उन्हें फिल्म का टाइटल ट्रैक लिखना है। जावेद साहब को फिल्म का ये नाम ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि टाइटल ट्रैक का वजन फिल्म के नाम की वजह से कम हो रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है, ये चाहिए तुम लोगों को। सबको ये लाइन पसंद आई और फिल्म का ये गाना लिखने के बाद जावेद साहब ने फिल्म ही छोड़ दी। इसके बाद समीर अंजान को फिल्म से बतौर लिरिसिस्ट जोड़ा गया। समीर ने कोई मिल गया गाने में एक लाइन लिखी, मैं तो हिल गया। ये लाइन करण जौहर को अजीब लग रही थी, लेकिन समीर ने करण को बताया कि ये लाइन उन्होंने वर्ल्ड फेमस रॉक स्टार एल्विस प्रेसली के गाने आई एम ऑल शूक अप से प्रेरित होकर लिखी है। इस गाने से एल्विस का कनेक्शन जानकर करण जौहर को भी ये गाना काफी कूल लगने लगा। फिल्म की रिलीज के बाद उसे खूब पसंद भी किया गया। कोई मिल गया तो आपने कई बार सुना होगा। DDLJ कुछ कुछ होता है, ये उस दौर की ऐसी फिल्में हैं जिन्हें आज भी बिना बोर हुए देखा जा सकता है और इन्हें काफी पसंद भी किया जाता है। दोस्तों, अगर DDLJ का सीक्वल बनता है तो आप उसमें सलमान और शाहरुख में से किसे देखना चाहेंगे, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के दूसरे वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को।